जन्म हुआ और रावण का वध करने के लिए हुआ था, इसका जो लौकिक जन्म देते हैं सदा खुशहाल रहते हैं, इनका चेहरा और चलन बताता है कि बहुत खुश रहते हैं और इनकी मदर का नाम भी खुशी है, इसका नाम खुशहाल है। बाबा तो रोज कहते हैं ना सदा खुशहाल रहना है, कोई हाल पूछे तो कहो खुशहाल, रोज बाबा याद करते हैं। चाल परिश्रम की चाल, आपकी चाल से आपका हाल पता चलता है। चार राम का गए हैं सभी जानते हैं कि एक राम जो दशरथ कवि था, साकार भी तो वही बन के आएगा, साकार व्यक्ति आएगा। एक राम जो दशरथ कवि था, एक राम जो व्यंकट था, एक राम जो सकल पसारा, एक राम जो जग से न्यारा, जग से न्यारा राम आकर के हम आत्मा रूपी सीताओं को रावण की कैसे बुलाते हैं। आज हम हैप्पी दशहरा बोलते तो हैं पर हैप्पी कैसे कह दोगे, जब तक वो विकार नहीं गए मन से तो हैप्पी दशहरा कैसे कहोगे। हैप्पी दशहरा वास्तव में नहीं कह सकते, वो तो एक ही रावण था जिसने सीता को चुराया तो जरूर था परंतु एक उंगली से भी छुआ नहीं उसको, कितना मर्यादा मेरा। पर आज तो दुनिया में लाखों रावण, लाख का रावण सब चल रहा है, उन रावण को कौन मारेगा। जब आप अपने अंदर राम जैसे गुण धारण कर लेंगे तब वो रावण बनेगा। पहले अपने अंदर के रावण को मारोगे फिर उनके रावण को मार सकते। दस सिर वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होता, होता है कैसे बेचारा सोता होगा, किस मुख से खाता होगा, किससे रस करता होगा। इसका अर्थ है कि वो आम मनुष्य से दस गुना ज्यादा दिमाग था उसका, बहुत वेदों शास्त्रों का ज्ञाता था, पंडित था, विद्वान था, बहुत शक्तिशाली था, सोने की लंका थी उसके पास, पर फिर भी मूर्ख था, अहम और जिद बड़ा जबरदस्त, जो भी उसको समझाता था वो बुरा लगता था। भविष्य और मंदोदरी ने समझाया, बात कहां मानी, आखिर भविष्य को निकाला। वैसे भी शास्त्रों के अंदर कहीं भी भले भविष्य क्योंकि कुल द्रोही देश द्रोही, अपने कुल को सब तो नहीं दे, इसलिए गाय क्या बन गया घर का भेदी लंकड़ है, जिस थाली में खाया पला बड़ा हुआ उसी को धोखा दिया। पर वो रावण की गलती से हुआ कि उसने तो अच्छे अधर्म के मार्ग पे हटाना चाहता था रावण को, रावण को वो बात अच्छी नहीं लगी इसलिए ठुकरा दिया, उसका वैसे कसूर नहीं था, वो अच्छा धर्म मर्यादा वाला व्यक्ति। इसलिए आज हम इन बातों से बहुत सारी शिक्षाएं लेंगे। दस विकारों के नाम बताती हूं कि उसको किस किस तरीके से जीत सकते हो। सबसे पहले देह अभिमान तो उसकी रूट काज है, सारे विकारों की जड़ देह अभिमान है, सभी जानते हैं। नंबर वन पे है काम विकार, काम विकार के वशीभूत होकर के उसने सीता का अपहरण किया था। ये आज सबके पास भी आज भगवान सर्वव्यापी नहीं है, रावण सर्वव्यापी, जहां देखो तहां इन विकारों को बोलता है। काम विकार के वश उसने सीता का अपहरण किया तो राम के पवित्रता के गुण से इस काम विकार पर जीत पा सकते, क्रोध के वशीभूत होकर के भविष्य को बंदी बनाया, ठुकरा दिया क्योंकि उसने समझाने का प्रयास किया, उसको अपने देश निकाला दे दिया कि जाओ मैं भविष्य पर। इसको राम के शांति के गुण से क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते, लोभ के वशीभूत होकर के इतने
इतना सोने की लंका का मालिक था वो, फिर भी त्रिलोक विजेता बनना चाहता था। तो राम के संतुष्टता के गुण से इस लोक पर विजय प्राप्त और मोह के वशीभूत होकर के जब सोने की लंका जली, सब कुछ हुआ, बाल बच्चे गए, तो पागल सा हो गया, अंधा हो गया मोह वश, तो समझ में नहीं आया। तो मोह को राम की वैराग्य वृत्ति से जीत पहन अहंकार वश शक्तिशाली होने के बाद भी अपने पे अभिमान था, वेदों शास्त्रों का ज्ञाता था लेकिन अहम करता था अपने शक्तिशाली होने का, क्योंकि जात बिरादरी में भी उनसे बड़ा था राम। इससे राम के नम्रता के गुण से अहंकार पर जीत प्राप्त हुआ। आगे छोटे छोटे विकार आलस्य को राम के दृढ़ता के गुण से समाप्त करो, ईर्ष्या को मधुरता के गुण से समाप्त करो और द्वेष को प्रेम से समाप्त करो, छल को शुभ भावना से और हठ को सरलता से। इतना ज्ञानी ज्ञानी होते ज्ञानी ज्ञानी व्यक्ति भी मूर्ख हो सकता है, जो ऊपर गले का शीश दिखाया हो उसकी मूर्खता का प्रतीक है। कितना शक्तिशाली, जब उससे प्रश्न पूछा गया कि भी तू जात बिरादरी में बड़ा, उम्र में बड़ा, ज्ञान ध्यान में बड़ा, धनवान में बड़ा, धनमाल में बड़ा, राम से वो तो एक वनवासी लोग थे, तू क्यों हार गया, उन वनवासी लोगों से क्यों हार गया, क्यों मारा गया, तो क्या कहा उसने कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। मैंने भविष्य को ठुकरा दिया पर राम के साथ राम का भाई लक्ष्मण साथ साथ रहा, इसलिए वो अपने मन के लक्ष्य को प्राप्त कर गया। तो आज हम देखें कि इन विकारों में से कोई सिर्फ लाइफ पर करने का घबरा, और जब उसको मारा जा रहा था एक सिर काटा जाता था दूसरा सिर खड़ा हो जाता, ऐसा बताते हैं। तो विष्णु जी ने आके बताया कि इसकी नाभि में खींचो, इसका अमृत रस बनाना बंद हो जाए, फिर सिर पैदा नहीं होगा। अपने थॉट सिस्टम को सबसे पहले चेंज करो, नाभि अर्थात थॉट सिस्टम, पहले बॉडी कॉन्शियसनेस को खत्म करो, तब जे रावण के सिर कटिंग। अच्छाई की बुराई पर जीत तब होगी, धर्म की अधर्म पर जीत तब होगी, सत्य की उसकी बातों से ना घबराता। काशी तारा नहीं होना था, आपको इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता था, राम ने क्या कहा, हम तो खाली बात में आ करके चले जाते, मेरे को ख्याति कैसे मिलती, मैं राम नहीं बन सकता था, सिंपल एक राजा बन सकता था। इसलिए इसमें भी कल्याण, जो बाबा रोज पक्का करते हैं कि हर बात में कल्याण है, ब्रह्मा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, हम सब कल्याणकारी, बाप के बच्चे पूरी दुनिया के कल्याण। अब हम दुनिया के कल्याणार्थ इस रावण राज्य को खत्म करने के अर्थ अब सभी बाहर तक जाएंगे, रावण को जलाया जाएगा, हर कोई अपनी अपनी बुराई स्कूल में भी डाल सकते हो, नहीं मन से दृढ़ प्रतिज्ञा जरूर करेंगे कि हम सब अपने आज अंदर बैठे रावण को मार देंगे, सच्चा सच्चा दशहरा मनाएंगे, फिर सबको बोलेंगे हैप्पी दशहरा। ओम शांति। बैठे व्यक्ति उसी छांव में बड़े पेड़ काटने के लिए आए कि तुम बहुत तेज है, बहाना बना के बैठे तुम्हें, उसी छांव में बैठे
भगवान श्री राम शास्त्रों के अंदर भगवान माने गए, भगवान जैसा बने गए। कि किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत को उसको अहम बोलना, उसकी अहमियत को कम करो। जमाना तो कल भी खराब था, जमाना आज भी खराब है। द्रौपदी का चीर हरने करने वाले को तो सब भूल गए, जिसने सीता को हाथ तक नहीं लगाया वो आज भी बेचारा जल रहा, आज भी जलाया जा रहा। उसने सीता को हाथ तक नहीं लगाया वो भी जल रहा है। जिसने द्रौपदी के बलि सभा में चीर हरण किए उसको कोई नहीं पूछ रहा। जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन बहुत बड़ा चमत्कार होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, रावण मरेगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। वैसे भी बताया जाता है आपको हमेशा, प्यार में वो ताकत है। ऐसा बाबा से प्यार करो आप, ऐसा राम से प्यार रखो, प्यार में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या पड़ी थी राम को भीलनी के झूठे में रखने। प्यार में तो झुकाया, सबर रखा उसने, कितना लंबा समय प्रतीक्षा की उसने, रोज तैयारी करती थी, पर फिर भी हिम्मत नहीं हारी कि राम जी आएंगे। जो सबर रखता है उसके पास ईश्वर को खुद चल के आना पड़ता है। राम भी खुद चल के आए थे, उसकी कुटिया तक हो नहीं गई थी, बस हर पैरों की आठ दिन ही करती थी कि राम जी आ रहे हैं, तो एक दिन आना होगा। ऐसे ही आज हम सभी ये दृढ़ता से प्रतिज्ञा कर लें कि हम सभी अपने अंदर के रावण को मार करेंगे। लक्ष्य क्या था? रावण को मारने का। क्यों सब हुआ? शबरी के पास क्यों पंचा शरीर से मित्र तक क्यों की? सब कुछ इसलिए हुआ कि रावण का वध करना। लक्ष्मण ने माफी मांगी कि मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ, मैं उसे स्वयं भगवान शिव पढ़ाते हैं, ऐसी श्रेष्ठ पढ़ाई, उसी पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव बाबा स्वयं ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। छोड़ो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रावण के हैं ये सारे स्वभाव और संस्कार, क्योंकि तभी आएगा इस धरा पर सुंदर सर्वे संसार। अगर इन सारे विकारों को छोड़ोगे अभी सुंदर स्वर्णिम संसार आएगा, वहां होगा हर दिल में करुणा और प्यार, वहां होगा हर दिल में करुणा और प्यार। आज इस दशहरे पर मार दो अपने अंदर के व्यक्ति इस रावण, और प्रभु ज्ञान को अपने दिल में समा के समर्पण कर दो हर बुराई भगवान का। देखते रहो पहरा अपनी सोच स्वभाव और संस्कार पर, देखते रहो पहरा अपनी सोच स्वभाव और संस्कार पर, तब देखो जागेगा अपने भीतर बैठा राम, तब देखो जागेगा अपने भीतर बैठा राम, और भगवान भी देगा आपको आपकी इसी जीत पर बहुत सुंदर इनाम। भगवान भी देगा आपको आपकी इस जीत पर बहुत सुंदर इनाम, फिर हो जाएगा सुख में स्वर्णिम संसार। रावण की कुछ विशेषताएं भी बताएंगे, एक ही विशेषता बताऊंगी। जब यज्ञ रचा रामेश्वर की स्थापना की तो किसी पंडित आचार्य की जरूरत थी राम जी को, उसने जामवंत से कहा कि कोई ऐसा आचार्य विद्वान पंडित चाहिए। जामवंत जी ने क्या कहा कि यहां तो एकमात्र वनों में सिर्फ रावण,
तो जनक जी रावण के पास गए, पूछा कि ऐसे ही प्रभु श्री राम आपकी जरूरत, आपको आचार्य बनाना है, पर वो आपके शत्रु हैं, आप चले गए। कहा बहुत प्यार से, मान सम्मान से उसका निमंत्रण स्वीकार किया। ड्यूटी उसी की होती, अपने वर्कर्स को सारों को ड्यूटी दे दी कि ये सामग्री चाहिए, आप कोई भी यज्ञ उसकी धर्म पत्नी के बिना संपूर्ण नहीं होता। वो कहाँ थी सीता? रावण के पास ही थी। वो अशोक वाटिका में गया, सीता को कहा कि आपको चलना है ऐसे ऐसे लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए। उसने यज्ञ रचा है राम ने, अर्धांगिनी के बिना वो यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। आपको मेरे विमान में बैठ के जाना है, यज्ञ संपूर्ण कराना है, लेकिन वैसे कि वैसे मर्यादा प्रमाण मेरे विमान में बैठ करके वापिस भी आना है। सीता ने अपने पति ने उसके लिए आचार्य मान लिया, उसने बहुत प्यार से मान सम्मान सम्मान से सिर झुकाया, हाथ जोड़े, चल दी उत्तर के आगे। कहा कि सारी सामग्री तैयार है, अब जे अर्धांगिनी के बिना संपूर्ण नहीं होता यज्ञ, आप मान सम्मान से सीता को विमान से उतार के लिया। और भीष्म जी और लक्ष्मण जी गए और ले उसको पर्दे के साथ बिठा दिया गया, और जो भी करना था रस्म रिवाज वो सब कर दिया गया। लास्ट में जब यज्ञ पूरा हुआ, पूजा पाठ हो गया, रावण को श्री राम जी ने कहा कि जो दक्षिणा लेनी है वो मांगो, आज जो चाहिए वो ही मिलेगा। सारे लोग डर गए कि कहीं रावण जी ना कह दे कि तू अयोध्या वापस चला जा तो क्या होगा, राम को जाना पड़ेगा उस समय। पर उसने क्या कहा कि मेरी दक्षिणा एक ही है, जब मैं प्राण तजू तो जजमान मेरे सामने उसी के हाथों से बने। तो सचमुच ऐसा ही हुआ, राम जी ने मारा राम सामने जब प्राण थे। इसलिए ऐसी उसकी विशेषता भी रही कि हर मर्यादा का पालन किया उसने। वो कहते थे राम के मन में क्या था, पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में। क्या कहता था? पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, अभी धूप तेज जान है हर कोई अपनी सही पहचान से, अपने आप को नहीं समझ पा रहा है कि मैं कौन हूं। चलता है हर कोई पागल में सब कुछ, क्या चाहता है हर कोई कि पागल में सब कुछ देने के नाम पर, आज हर कोई है कुछ देना, कोई नहीं किसी को चाहता, पाने के नाम पे सब कुछ पाना चाहते। प्यार तो बस हो गया है जैसे कि एक व्यापार, प्यार तो बस हो गया जैसे कि एक व्यापार, भगवान से तो क्या आज किसी इंसान से भी मिलती नहीं किसी की मन बुद्धि की तार। भगवान से तो तार कैसे मिलेगी जब इंसान से नहीं मिल पाए, इंसान को इंसान समझ नहीं पाए। अभी कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, अभी कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है जहां इंसान दिल से नहीं बल्कि दिमाग से बन रहा है, यहां हर कोई व्यक्ति दिल से नहीं दिमाग से बन रहा है। है दिल में बैठा राम और दिमाग में राम रावण फरमा रहा है आराम। दिल में तो राम को बिठा लिया और दिमाग में
रावण आराम कर रहा है, फरमा रहा है आराम, दूसरों को कुछ नहीं समझता है वो, दूसरों को कुछ नहीं समझता वो, मैं ही सबसे श्रेष्ठ बस यही समझता है। आज का इंसान क्या समझ रहा है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, सामने वाले को कुछ नहीं समझता। दूसरों की प्रेज सहानुभूति अटेंशन पर निर्भर करता है, दूसरों की प्रेज सहानुभूति अटेंशन पर निर्भर करता है वो है राम और रावण की अद्भुत जेल लड़ाई, है राम और रावण की अद्भुत जेल लड़ाई, वो चल रही है हमारे सबके भीतर, वो लड़ाई हमारे भीतर सबके अंदर चल रही है, जिस पर विजय प्राप्त